उड़ पुट गए ने वेड़े विचों वादे वांगू गम भी वेखी मिदे जाने जुत्ती। साल 2023 में मस्ताने जैसी बेहतरीन हिस्टोरिकल फिल्म देने के बाद पंजाबी सिनेमा 2024 में एक बार फिर से बेहतरीन वापसी करने वाले। जी हां, एक और दमदार पंजाबी फिल्म आने वाली जिसका की टाइटल है अरदास सरबत दे भले दी। और ये फिल्म काफी जल्दी आते ही सिनेमाघरों में धूम मचाने वाली और सारे बड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजत और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले इस पंजाबी फिल्म के टीजर के बारे में। तो अगर आप इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि इस फिल्म को गिप्री ग्रेवाल के डायरेक्शन में बनाया गया, जो कि पंजाबी सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर और सबसे बड़े सुपरस्टार कहे जाते हैं। और फिल्म के लीड रोल में भी हमें गिप्री ग्रेवाल के साथ साथ गुरप्रीत सिंह गुब्बी और एक्ट्रेस जासमीन बासिन दिखाई देंगे। और बताया जा रहा है कि ये तीनों अपनी जबरदस्त एक्टिंग से एक बार फिर से सभी का दिल जीतने वाले हैं। अगर बात करें टीजर के बारे में तो टीजर देखने में काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग लग रहा है। जी हां, जिस तरीके से इसमें सिनेमेटोग्राफी का लेवल दिखाया जा रहा है, लग रहा है कि ये जो फिल्म है पंजाबी सिनेमा को टॉप लेवल पे लेके जाने वाली और दुनिया भर में ये फिल्म एक अलग ही हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है। और जिस तरीके का बीजीएम फिल्म के टीजर में सुनाई दे रहा है वो भी काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। और फिल्म के टीजर को देख के पता चल रहा है कि फिल्म की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये फिल्म पंजाबी के साथ साथ बाकी भाषाओं के ऑडियंस को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाली है। आइए बात करते हैं फिल्म के रिलीज डेट के बारे में। तो फिल्म को 13 सितंबर 2024 के दिन पंजाबी भाषा में इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया जाएगा। और अंदाजा लगाया जा रहा है कि आते ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई करते हुए सबसे बड़ी पंजाबी फिल्म भी बन सकती है। ओवरऑल कहा जाए तो ये फिल्म पंजाबी सिनेमा के लिए 2024 में गेम चेंजर फिल्म साबित हो सकती है। तो आप सभी को इस फिल्म का टीजर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।